जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिस पे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पंचायत चुनाव में क्या हुआ था जवाब दीजिए, पंचायत चुनाव में क्या हुआ था जवाब दीजिए, कैंडिडेट क्यों भागे थे, नामांकन क्यों ऑनलाइन करना। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो टूल किट की बात हो रही है ना, इस देश में किसी ने विदेश में बैठ के कह दिया जाइए 10 करोड़ आदमी जाकर के दिल्ली घेर लीजिए, घिर जाएगी दिल्ली। मीडिया में खबरों के अलावा डिबेट भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। डिबेट के जरिए जनता के मुद्दों पर सत्ताधारी नेताओं से सवाल किए जा सकते हैं, पर पिछले कुछ समय से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज हम इस वीडियो में बात गोदी मीडिया की कुछ उन डिबेट्स की करेंगे जिसमें एंकर ने विपक्ष के नेताओं से तीखे सवाल किए और उन नेताओं ने एंकर को बुरा भला सुना दिया। आज तक पर गुजरात के स्थानीय चुनावों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओमकश्यप ने कांग्रेसी नेता से चुनाव में हार को लेकर सवाल किया, जिस पर कांग्रेसी नेता ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन एंकर ने उन्हें बीच में टोका, जिसके बाद नेता ने अंजना के सवालों का करारा जवाब दिया। देखिए सर, आप बैटिंग करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरते ही है मैदान में, इस जज्बे को कांग्रेस पार्टी क्या लोग भी सुनना चाहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बहस से, ऐसी जानकारी से क्यों भाग? क्या ये फिसलती हुई राजनीति का संकेत नहीं है अब गुजरात में भी? जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिस पे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था, तो इस पे गौरव भाटिया को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या जीत और क्या हार हुआ। दो मुद्दे हैं बड़े बड़े। पहला ये कि आज क्या जो जीत का मानक अगर हम निर्धारित करें, शुभ्रांश राय जी, आपको लग रहा है कि उठपटांग बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगी कांग्रेस पार्टी? वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखते और थोड़ा सोच समझ कर बोलते। नतीजे उस दिन भी दिखाए गए थे, बहस उस दिन भी हुई थी। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से टेलीविजन चैनल चले तो ये भी काम छोड़ दीजिए, गाड़ी से निकलिए, अपना चैनल चलाइए और उस पर अपनी खबरें चलाइए। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस पार्टी के राज्यों में चुनाव हारने को लेकर सवाल किया, जिस पर जब नेता के जवाब देने की बारी आई तो कांग्रेसी नेता ने एंकर के तीखे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पवन केड़ा, देखिए दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग तक सीमित है। पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, हालांकि बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं थी, लेकिन जहां जहां पहले थी वहां भी हार गई, कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई। गुजरात के अंदर बीजेपी ने आज एक बड़ी जीत दर्ज करी। बीजेपी बार बार एक ही लाइन लेती है कि पंजाब से का आंदोलन है, हरियाणा के कुछ इलाकों तक सीमित है, लेकिन क्या आपको लगता है अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ध्यान कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, आप लोग इसको पॉलिटिकली कैश करना चाह रहे हैं? अमीश देवगन जी, आपने पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनावों का जिक्र किया, गुजरात का किया, मेरे राज्य को भूल गए राजस्थान, वो क्या दिखाता है? वहां भी तो कांग्रेस की भारी जीत हुई है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। 3 स्थानीय निकायों के चुनावों की चर्चा कीजिए, उसमें 2 में कांग्रेस जीती है, 1 में भाजपा जीती है, क्या साबित होता है? एबीपी न्यूज पर किसान मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में किसान नेता एंकर पर भड़कते नजर आए। डिबेट में एंकर भाजपा सरकार की तारीफ करती नजर आई, जिसके बाद एंकर ने किसान नेता से सवाल किया। अपने जवाब में किसान नेता ने एंकर को डांट लगा दी। तो तैयार है पुष्पेन जी, जांच हो जानी चाहिए उन तमाम किसान नेताओं की? ये कह रहा हूँ आदरणीय, अरे बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मेरी सबसे पहले कराना, और सबसे पहले NSA लगाओ, सबसे पहले जेल भेजो मुझे। ये दिशा और ये तो छोटे मोटे लोगों को क्या टारगेट कर रहे हो आप करिए, शेर की तरह हम बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर किसान के साथ हो रहा है, मैं मानती हूँ आपको के साथ बिहेवियर हो रहा है, शेर नेता हैं आप, मैं मानती हूँ आपको, लेकिन अगर कोई भेड़िए अपने चेहरे पर शेर का वो पूरा का पूरा नकाब ओढ़ के आए और कहे कि हम तो किसानों की मदद करने आए हैं, तो वो सारे के सारे जेल और सलाखों के पीछे जाएंगे, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। हाँ मैं बताता हूँ, ये जो टूल किट की बात हो रही है ना, इस देश में किसी ने विदेश में बैठ के कह दिया जाइए 10 करोड़ आदमी जाकर के दिल्ली घेर लीजिए, घिर जाएगी दिल्ली। अरे यहाँ तो घोड़े खुल जाते हैं तब जाकर के आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते। यहाँ कोई व्यक्ति ग्रेटा थनबर्ग रिहाना जिसको कोई जानता नहीं है यहाँ। न्यूज 18 पर बंगाल के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने TMC के नेता से ममता बनर्जी के किसी बयान को लेकर बार बार सवाल किया, जिसके बाद नेता ने एंकर को देश के जरूरी मुद्दों पर बात करने को कहा। ऐसा क्यों क्या संरक्षण दे रखा है टीएमसी की सरकार ने कि गुंडे नहीं डरते? ऐसा सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं।
दहशत का माहौल क्रिएट किया गया है। किसने दिया लॉ एंड ऑर्डर? किसके पास है? बीजेपी के नेता किसके पास है? दिन भड़काऊ भाषण देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? इतना हिम्मत कैसे? क्या कहा था पंचायत चुनाव में? पंचायत इलेक्शन कब हुआ था? और आज हम लोग कौन सा इलेक्शन फेस कर रहे हैं? असेंबली क्या हुआ था पंचायत चुनाव में? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? जवाब दीजिए। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? जवाब दीजिए। कैंडिडेट क्यों भागे थे? नामांकन क्यों ऑनलाइन करना पड़ रहा था? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छठी बारी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। बड़े इत्मीनान से तौसीफ जी आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ छठी दफा आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल का दाम कम होगा कि नहीं होगा? अब आपका पेट्रोल का दाम बनता है, आपके अपनी आपके पास जवाब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जवाब क्या है। सुनिए। मीडिया अक्सर विपक्ष के नेताओं से तीखे सवाल करता दिखाई देता है, जिसके बाद नेता भी पलटकर मीडिया एंकर के सवालों का करारा जवाब दे ही देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया भाजपा के नेताओं से जरूरी मुद्दों पर सवाल करेगा और जनता के मुद्दे भी उठाएगा। पंजाब की रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।